नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। हॉलीवुड में लगातार एक के बाद एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे ही फिल्म कबड्डी का निर्माण किया गया है जो 28 जुलाई को प्रदेश के 15 शहरों और 29 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आपको बता दें कि हॉलीवुड की ज्यादातर फिल्म पारिवारिक या लव स्टोरी होती है, लेकिन ये फिल्म नारी शक्ति पर आधारित है। कबड्डी एक छत्तीसगढ़ फिल्म है जो नारी शक्ति पर आधारित है, जिसमें गाँव की औरतों को रोजमर्रा के कार्यों की जिम्मेदारी को उठाते हुए दिखाया गया है। 12 महिलाओं को कबड्डी खेलते हुए दिखाया गया है, जिसके निर्देशक और लेखक कुलदीप कौशिक हैं और निर्माता सुनील तायल हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में चर्चित अभिनेत्री उर्वशी साहू ने उपासना वैष्णव कबड्डी खेलते हुए नजर आएंगी। वहीं फिल्म के बारे में उर्वशी साहू ने बताया है कि फिल्म महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ ही उपासना वैष्णव ने कहा है कि फिल्म महिलाओं के आवास को जो गाँव में दबा दिया जाता है, ये सारी चीजों को देखते हुए फिल्म को निर्मित किया गया है। महिला ला एक सशक्त ताकत के रूप में, मातृशक्ति के रूप में हमने ये में दिखाए के प्रयास करे हैं। 12 महिला के कहानी है जो गांव में एकता पिरो के अपन प्यार बरसाए के कोशिश करे हैं, समाज ला सुधारे के कोशिश करे हैं। तो आप जम्मो जन जरूर देखो, 28 जुलाई के पिक्चर आवत हवे कबड्डी नारी प्रधान फिल्म। तो मेन नारी प्रधान पिक्चर है कि एक महिला ऊपर का बीत थे गाँव में, खासकर ग्रामीण परिवेश में। आज भी हमन शहर में रह चुकी तो हमारा पता नहीं हो कि गाँव में कहा थे, पर आज भी महिला ला गाँव में दबा के रखते एक समझे जाते। तो एक महिला जब आपस में एक हो जाती, जब महिला जब अलग लग रही थी तो अलग लग रही थी, लेकिन कहते ना एक लकड़ी टूट सकते लेकिन 12 लकड़ी ले जब आप एक साथ तोड़ो तो वो मजबूत हो जाते। तो वैसी एक एक महिला करके 12 महिला गांव के महिला मन एक साथ जुट होते, एकजुट होते और गाँव से जितना भी गाँव में जितना भी छोटे छोटे सोच के आदमी थे ओकर खिलाफ लड़ते तो ओकर एक चुनौती मिलते कबड्डी के। तो कबड्डी खेल ला जीतन और 12 महिला मिलके हम अपन गाँव ला एकदम सफल गाँव बनाथन। तो बस महिला की कहानी नारी प्रधान फिल्म है। ऐसे ही खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वरमय टाइम्स में। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।